फर्स्ट पाई चार्ट में आपको दिया गया है 2015 में कंपनीज ए बी सी डी की सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, एंड सेकंड पाई चार्ट में आपको दिया गया है ए बी सी डी की सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन 2016। फर्स्ट पाई चार्ट के लिए टोटल है 54,000 एंड सेकंड पाई चार्ट के लिए टोटल है 72,000। अब आपसे यहां पर पूछा गया है कि किस कंपनी के लिए परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स हाईएस्ट है फ्रॉम 2015 टू 2016। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप ए बी सी डी की इंडिविजुअल सेल्स निकालेंगे 2015 में, फिर आप ए बी सी डी की इंडिविजुअल सेल्स निकालेंगे 2016 में, फिर ए बी सी डी के लिए आप इंडिविजुअल परसेंटेज इंक्रीजेस निकालेंगे और फिर उनके बाद आप उन्हें कंपेयर कर पाएंगे। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंज्यूम होने वाला है एग्जाम में, पर क्या हमारे पास इतना समय होता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो आंसर है नो, इतना समय तो हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? हमें देखना है फाइनल और इनिशियल का रेशियो। तो आप ध्यान से देखिए कि फाइनल वैल्यू किसके लिए हाईएस्ट है? ए के लिए। और इनिशियल वैल्यू किसके लिए लीस्ट है? ए के लिए। तो मतलब मैं बोल सकता हूं फाइनल और इनिशियल का रेशियो हाईएस्ट होगा ए के लिए, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज भी हाईएस्ट होगा ए के लिए। तो मेरा आंसर होगा कंपनी ए के लिए परसेंटेज इंक्रीज इज द हाईएस्ट। सो फ्रेंड्स, डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करना और कम समय में सॉल्व करना एक स्किल है, जो स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और यही स्किल आपके अंदर डेवलप करने के लिए हम ला रहे हैं डीआई का एक स्पेशल शो।